जिला मुख्यालय पर गणेश उत्सव पर्व पर हर गली मोहल्ले में गणेश पंडालों में धूमधाम के साथ गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। वहीं स्थानीय निमाड़ का राजा जनकेश्वर गणेश उत्सव समिति द्वारा प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे वैक्सीनेशन महाअभियान के जागरूकता को लेकर वैक्सीनेशन की सजीव झांकी की प्रस्तुति देकर स्वास्थ्य कर्मियों का सम्मान किया गया। दरअसल देश के प्रधानमंत्री द्वारा चलाए जा रहे सबसे बड़े टीकाकरण में जो लोग टीका लगवाने से छूट गए हैं उनको जागरूक करके प्रशासन द्वारा जागरूक किया जा रहा है। वहीं निमाड़ के महाराजा जनकेश्वर महादेव गणेश उत्सव समिति के अध्यक्ष संतोष गुप्ता व झांकी के सदस्यों द्वारा कोविड-19 वैक्सीनेशन का महत्व बताते हुए वैक्सीनेशन की संजीव झांकी का मंचन किया गया, जिसमें लगातार सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करने वाली स्वास्थ्य कर्मी सुषमा वाजपेयी, चांदनी धनगर एवं प्रथमेश सोनाने का सम्मान किया गया। वहीं झांकी के माध्यम से कोविड के दोनों डोज लगवाने का महत्व बताया। यदि तीसरी लहर आती है तो वैक्सीनेशन के दोनों डोज लगवाने पर सुरक्षा कवच की सिद्धि होगी। और वहीं आरती में समिति द्वारा नगरपालिका अध्यक्ष लक्ष्मण चौहान को आमंत्रित किया गया। जो अभियान चल रहा है आज महावैक्सीनेशन, हजारों करोड़ों रुपयों की आहुति। रुचिका जयेंद्र सिंह से सोदिया। रुचिका जी, आज झांकी में क्या चित्रण प्रस्तुत किया गया? जी, हमारे जो निमाड़ के महाराजा गणेश जी विराजित हुए हैं उनके आज हमने प्रोग्राम रखा था, उसके लिए वैक्सीनेशन का संदेश दिया है हमने। और जो जो कोरोना महामारी में जिन योद्धाओं ने मतलब बहुत ज़्यादा वैक्सीनेशन लगवाई, वो नर्स मैडम का हमने आज स्वागत किया और सम्मान किया उनका, और उनको गिफ्ट के तौर पे गणेश जी की प्रतिमा दी और उनका सम्मान किया। क्या कहना चाहोगे वैक्सीनेशन को लेकर? यही कि वैक्सीनेशन लगाना बहुत ज़रूरी है, जो आने वाला तीसरी लहर है उससे बचाव के लिए दो वैक्सीनेशन के टीके जरूरी है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए बड़वानी से विजय निकुम की रिपोर्ट।